इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर पहले आपको बता दें, हम हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी, मॉरिशस से पीएफआई को 50 करोड़ भेजे गए हैं। ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। हाथरस में जातीय दंगा फैलाने के लिए बाहर से पैसे आए और इस बात का जिक्र सरकार की तरफ से भी किया जा रहा था कि विदेशी साजिश है, पैसों का लेन देन हो रहा था कि हाथरस केस के जरिए इंसाफ की आड़ में उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंक दिया जाए। और इसके लिए ट्रांजैक्शन जो हुआ है, सोर्सेज से खबर ये आ रही है कि मॉरिशस से पीएफआई को फंडिंग हुई है, 50 करोड़ भेजा गया है मॉरिशस से, जातीय दंगों में हाथरस को जलाया जा सके, इस घटना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सके और उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाई जाए, इसको लेकर 50 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन। ये बहुत बड़ी खबर हाथरस मामले में आ रही है। हालांकि आज तक लगातार ये कह रहा है कि पीड़ित लड़की की मौत हुई है, इसलिए दंगों की साजिश एक अलग मामला है और पीड़ित को इंसाफ मिलना एक अलग मामला है। किसी भी तरह से पीड़ित को मिलने वाले इंसाफ को कम करके नहीं आंका जा सकता इस सूरत हाल में। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हाथरस केस में आ रही है और ये दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है, शुरुआती जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उससे निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में एक्टिव हुआ जब यूपी सरकार ने यह कहा कि उनके पास खास इनपुट है खुफिया विभाग के कि किस तरह से दंगों की कोशिश थी और इसके लिए पीएफआई, एसडीपीआई जैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्टिव थे। चार गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिसमें पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये हाथरस केस में जिसमें ईडी के सोर्सेज से खबर मिल रही है कि 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन मॉरिशस से भेजा गया है पीएफआई को। बिल्कुल, ये शुरुआती जो ईडी की प्रीलिमिनरी जांच हुई है उस जांच में ये निकल करके आया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है। फंडिंग तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की है जिसमें 50 करोड़ अकेले मॉरिशस से फंडिंग हुई है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला है। अभी तक इस पर कई तरह से सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज जो हमारे सरकार के सोर्स से पता चल रहा है वो ये कि इस पूरे मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से फंडिंग की गई है। दो दिन पहले बकायदा चार लोग गिरफ्तार किए गए थे जिसमें कि तीन लोग उत्तर प्रदेश के थे और एक केरल का था। और शुरू में बताया यह गया कि सिर्फ 151 में सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो जांच निकल करके सामने आ रही है उसमें ये पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो एक षड्यंत्र की बात की जा रही थी, सरकार का भी आरोप था कि सरकार को ऐसर करने और जाति दंगा कराने की एक पूरा षड्यंत्र चल रहा था और उसमें पीएफआई के लोग शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।